Hi friend, welcome back. Today I will be discussing about plant hormone. Okay. So, plant hormones are chemical compound and produced by plants. They are responsible for growth, proliferation, elongation, and it also affects the some physiological process of plant. Okay, they are effective very low concentration, यानी कि बहुत कम मात्रा में भी बहुत ज़्यादा effective होता है. There are five major groups of growth hormones. Okay, that is auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, and ethylene. These auxin are growth hormones, which is responsible for the growth and elongation, cell division. Okay. यह प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जिब्रेलिन आल्सो रिलेटेड टू द प्लांट हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स. इट इज अनदर हार्मोन्स दैट रिलेटेड टू द प्लांट ग्रोथ. जो मेजर रोल इसका है वो सीड जर्मिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द डॉर्मेंसी ऑफ सीड. ओके, ये सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन को सीड डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करता है और सीड जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है. ओके, साइटोकाइनिन. साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी कि ये मेन रूप से सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन. ओके, फोर्थ इज एब्सेसिक एसिड. एब्सेसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिशन एंड सेनेसेंस फॉर द प्लांट. सेनेसेंस इज ए एजिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट. जैसे ह्यूमन में पुजेरिया डिजीज है, यानी कि बचपन में ही कम एज में ही ज़्यादा एज के प्रॉपर्टी दिखने लगते हैं, जैसे कि बाल सफ़ेद होना. सब ये सब है पुजेरिया डिजीज के प्रॉपर्टी है. ओके, सो एब्सेसिक एसिड. एंड लास्ट इज इथाइलिन. इथाइलिन द वाइटल रोल ऑफ इथाइलिन इज सेनेसेंस एंड फ्रूट राइपनिंग एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ द फ्लावर कलरेशन. फ्लावर कलरेशन एंड मेनली इथाइलिन सबसे बड़ी बात है, एक गैसियस हार्मोन है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. गैस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, इसके लिए ज़्यादा सिग्नलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट इज मोस्ट इफेक्टिव. ओके, एक टेबल है जिसमें प्लांट्स हार्मोन दिए गए हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, एब्सेसिक एसिड एंड इथाइलिन. और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्लांट्स के किस पार्ट में पाया जाता है और इसका मेजर फंक्शन क्या है. ओके, चलो देखते हैं. ऑक्सिन की बात करें, ठीक है, तो ये मेरिस्टम ऑफ एपिकल बड्स, एम्ब्रियो ऑफ सीड्स. ओके, एंड आल्सो इन द यंग लीव्स. इट स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन. ओके, लो कंसंट्रेशन ओनली, इट मीन्स वेरी लो कंसंट्रेशन नीड टू स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन. रूट ग्रोथ, सेल डिफ्रेंसिएशन एंड ब्रांचिंग. रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स.
डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है. ओके, इनहेंस एपिकल डोरमेंसी. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. एस साइटोकाइनिन्स का देखते हैं. इट इज सिंथेसाइज इन रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर ऑर्गन. ओके, ये सिंथेसाइज होता है बॉटम पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट्स. इट अफेक्ट द रूट ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, स्टिमुलेट जर्मिनेशन एंड डीले सेनेसेंस. ओके, जिब्रेलिन, मेरिस्टम ऑफ एपिकल बड. मेरिस्टम प्लांट्स के वे पार्ट होते हैं यानी कि जिनमें उस टाइम जो डिवीजन रेट होता है वो हाई होता है, जैसे सूट टिप मेरिस्टम पार्ट. ओके, एंड इट आल्सो फाउंड इन द एंगलियप्स एंड एम्ब्रियो आल्सो. ओके, सो देख लेना ये टेबल. ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है. ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ओवरलैपिंग भी दिया गया है. कौन कौन से हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, एक्चुअली कौन कौन से फंक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं, मेन फंक्शन उनका क्या है. ठीक है, जैसे सीड जर्मिनेशन हो गया, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ग्रोथ, प्लांट मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, एब्सिशन यानी कि डेथ, सीड डोरमेंसी. सो अगर हम बात करें जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड मैच्योरिटी, फ्लावरिंग एंड सम आल्सो सम पार्ट आल्सो टेक प्लेस इन द फ्रूट डेवलपमेंट. ओके, ऑक्सिन की बात करें तो दे डोंट डील विथ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं. यह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ एंड मैच्योरिटी यानी कि डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट, नॉट फ्रूट डेवलपमेंट. फ्रूट डेवलपमेंट ही है, फ्रूट डेवलपमेंट में भी ये रिस्पॉन्सिबल है एंड फ्लावरिंग में. सो अगर हम बात करें फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर ये टेबल याद है, ये फिगर अगर दिमाग में है, तो आप कोरिलेट कर जाओगे कि फ्लावरिंग के लिए हाँ जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन्स एंड समटाइम्स इथाइलिन्स आल्सो. ओके, ऑक्सिन हार्मोन. अब अभी तो हमने देखा कि पांच मेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, अब उनके बारे में हम एक एक का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, किससे होता है, प्रिकर्सर्स क्या है, मेन फंक्शंस क्या है इन हार्मोन्स का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यानी कि ऑक्सिन हार्मोन फ्रूट डेवलपमेंट में भी, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. यदि ऑक्सिन की कमी हो जाएगी तो फ्रूट डेवलपमेंट रुक जाएगा, और यदि सेल के अंदर ये जो ऑक्सिन सीड में भी सिंथेसिस होता है, सो अगर यहाँ पर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ठीक ठाक है तो जो डेवलपमेंट होगा फ्रूट्स का वो अच्छा होगा. बट अगर ऑक्सिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो फ्रूट डेवलपमेंट रुक जाएगा. ओके, अगर हम बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन बायोसिंथेसिस की बात करें तो इस पाथवे को हम कहते हैं इंडोल थ्री पायरविक एसिड पाथवे. ओके, इसका जो मेन प्रिकर्सर है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है.
जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्लांट। जनरली जितने भी प्रोटीन होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर, ये सब ज़्यादातर नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से इल्डोल स्टिक एसिड का सिंथेसिस होता है। सो ट्रिप्टोफैन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसएमाइनेज एंजाइम, ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम, ट्रिप्टोफैन कन्वर्टेड इनटू गेट कन्वर्टेड इनटू इल्डोल थ्री पाइरुविक एसिड आईपीए, एंड आईपीए आल्सो कन्वर्टेड इनटू इल्डोल थ्री एस्टेल्डिहाइड एसिड, एस्टेल्डिहाइड सॉरी इल्डोल एस्टेल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेज, आईपीए डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। थ्री एस्टेल्डिहाइड इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दे गेट कन्वर्टेड इनटू इल्डोल थ्री एस्टिक एसिड। ओके, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट की बात करें, प्लांट के जिस पार्ट में ग्रोथ होना है ऑक्सिन हार्मोन उधर ही ट्रांसफर होगा। ओके, सेल के अंदर दो चैनल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सिन इनफ्लक्स एंड ऑक्सिन इफ्लक्स। इनफ्लक्स चैनल से ऑक्सिन सेल के अंदर आते हैं और इफ्लक्स चैनल से ऑक्सिन एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। ओके, गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। अब ऑक्सिन का जो डायरेक्शन होता है वह इफ्लक्स जो चैनल्स है, ये दोनों चैनल्स, ये दोनों प्रोटीन जो ए यू एक्स वन एंड पिन प्रोटीन, इनके प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। अगर ए मोर पिन प्रोटीन, अगर मोर पिन प्रोटीन आर इन द बेसल रीजन, सो मोर पोलर ट्रांसपोर्ट। तो पोलर मतलब नीचे की तरफ ऑक्सिन हार्मोन्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, एक्चुअली ऑक्सिन हार्मोन्स मेनली दो फॉर्म में पाए जाते हैं, पहला है आई ए एंड सेकेंडली आई ए एच। एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो आई ए एच है ये अनचार्ज फॉर्म ऑफ ऑक्सिन, बट आई ए इज ए चार्ज फॉर्म ऑफ ऑक्सिन। ड्रैग वन हाइड्रोजन फ्रॉम आई ए एच टू आई ए। ओके, सो हम बात कर रहे थे ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के लिए दो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इस साइड में ग्रोथ चाहिए प्लांट के लिए तो इफ्लक्स प्रोटीन यानी कि पिन प्रोटीन इस साइड में होना चाहिए, तभी तो आई ए यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से चौथे में। ओके, सो जो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट है वह इन दो प्रोटीन चैनल प्रोटीन पर डिपेंड करता है। ओके, ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फोटोट्रोपिज्म के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि फोटोट्रोपिज्म होता क्या है। अगर इक्वल अमाउंट में सनलाइट प्लांट्स पर पड़ रही है तब तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होगा वो इक्वल क्वांटिटी में होगा। ओके, बट अगर एक साइड में लाइट पड़ रही है और दूसरी साइड में लाइट नहीं पड़ रही है तो एक्सेस सनलाइट क्या करेगा, ऑक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि देयर इज इनसाइड
देयर इज नो ऑक्सीजन. ओके, अब ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन रुक जाएगा. इधर सेल डिवीजन हो रहा है एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पर इक्वल अमाउंट में वो ऑक्सीजन्स है. ओके, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण इधर सेल ग्रोथ तो ज़्यादा हो जाएगा, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ इलोंगेशन हो जाएगा, बट इधर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, जैसे कि ये सीधा है. फोटोट्रॉपिज्म के कारण ये ऐसे थोड़ा सा सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा. ओके, इसी को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म. सेलुलर इलोंगेशन, इट इज आल्सो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन. जो सेल की इलास्टिसिटी होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है. सेल मेम्ब्रेन की जो इलास्टिसिटी होती है वो एसिडिटी पर डिपेंड करती है. सपोज एसिडिटी ज़्यादा है और एसिडिटी ज़्यादा होती कैसे है सेल के अंदर, सॉरी ओके, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन. सेलुलर इलोंगेशन, सेलुलर इलोंगेशन क्या होता है, यानी कि इलास्टिसिटी, एक्सपेंशन ऑफ सेल, सेल का बढ़ना, सेल साइज का इंक्रीज होना. ओके, सो यू नो इन सिग्नलिंग प्रोसेस, इन GPCR प्रोटीन सिग्नलिंग प्रोसेस, अल्फा यूनिट और फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है. ठीक है, और फास्फोलाइपेज सी PIP2 को डैग एंड IP3 में कन्वर्ट कर देता है. अब ये IP3 जाता है ER ल्यूमेन में, एक चैनल होती है जिन्हें हम कहते हैं कैल्शियम आयन चैनल. ओके, वहाँ से उस चैनल को ये ओपन करेगा IP3 और कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू हो जाएगा. ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन द एसिडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंक्रीज. और अगर एसिडिटी एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी. ओके, इलास्टिसिटी यानी कि एसिडिटी ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, तो सेल कैन एक्सपेंस. ओके, सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन और शुगर की कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और शुगर की कंसंट्रेशन लो है, तो जो ग्रोथ होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, वो जाइलम सेल होंगे, वैस्कुलर बंडल के जाइलम सेल का डिफरेंशिएशन होगा. ओके, सेल डिफरेंशिएशन इसी पे डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीजन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कितना है और शुगर का कंसंट्रेशन कितना है. ओके, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सही है और ज़्यादा मात्रा में शुगर है तो फ्लोएम का डिफरेंशिएशन होगा. एक्चुअली फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है, या शुगर को, शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, ये शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है, और जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है.
ओके सो अगर कंसंट्रेशन की बात करें ऑक्सिन्स की, तो ये डिपेंड करता है कि शुगर का कंसंट्रेशन हाई है या लो है। अगर ऑक्सिन इक्वल अमाउंट में है और मॉडरेटली शुगर भी है, ठीक है, उसी के लगभग जैसे 2.5% है और 3% है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। ओके, इथाइलिन प्रोडक्शन या इथाइलिन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। ओके, इनिशिएशन ऑफ रूट ग्रोथ, स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन, लेटरल रूट। ओके, ये सब फंक्शन है ऑक्सिन्स के, रूट ग्रोथ में लेटरल ग्रोथ होगा या अदर टाइप्स का, ये डिपेंड करता है उस दो चैनल प्रोटीन पर जिससे ऑक्सिन इफ्लक्स होता है। ओके ओके, सो थैंक्स, बाय।